साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इन लोक सेवकों को बनाया गया है हाई स्कूल प्राचार्य। उच्च पद प्रभार हेतु तालिका के कॉलम क्रमांक 2 में दर्शाए गए लोक सेवकों को अस्थायी रूप से स्वैच्छिक आधार पर उच्च पद प्रभार सौंपते हुए कॉलम क्रमांक 7 में दर्शाई गई संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। तो यह उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अभी जो काउंसलिंग कराई गई थी उनके आदेश जारी कर दिए गए, उन्हें हाई स्कूल प्राचार्य बना दिया गया। इस आदेश के आधार पर संबंधित लोक सेवक उच्च श्रेणी के वेतन का कोई दावा नहीं कर सकेगा। संबंधित लोक सेवक प्रभारित उच्च पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। उच्च श्रेणी शिक्षक का बीएड होना अनिवार्य होगा। लोक सेवक की कार्यमुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही लोक सेवक के उच्च पद प्रभार की पात्रता परीक्षण उपरांत की जाए। संबंधित लोक सेवक को नवीन संस्था में उच्च पद प्रभार 7 दिवसों में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नवीन पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित कार्यालय प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण को देनी होगी। तो 7 दिन के अंदर उच्च पद प्रभार आदेश जारी किए गए हैं शिक्षकों के, उन्हें कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।